आप लोगों के लगातार काफी क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग जिम जाते हैं या फिर हम लोग जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो कौन सा शूज प्रीफर करें। तो मैं लेके आया आपके लिए एक एलिवर स्पोर्ट्स की तरफ से हाइपर फ्लो रनिंग शूज, जो कि बहुत अच्छा शूज है। मैंने जो इसको जिम में यूज किया था, मैं थोड़ा बहुत डांस भी करता हूँ तो मैंने वहां पर भी यूज करा था, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। अब देख लेते हैं कैसे ये शूज, लेकिन उसके पहले बता देता हूँ आपको मैं एलिवर स्पोर्ट्स के बारे में। तो एलिवर स्पोर्ट्स जो है काफी अच्छी ब्रांड है। आप लोग उसके शूज देखेंगे या फिर स्नीकर्स देखेंगे तो काफी ज्यादा R&D के बारे में जो डिस्क्लोज करे हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बॉक्स की। तो एलिवर ने काफी अच्छी ब्रांडिंग करके रखी, आप देख सकते हो एलिवर का लोगो जो है फ्रंट हैंड पे देख के रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जिसका साइज है 8 UK और 5490 पे अवेलेबल है। लेकिन आपको डिस्काउंट के बाद ये जो इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर एलिवर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप बाय करोगे तो 4000 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके 6 कलर ऑप्शन आते हैं, मेरे पास अभी करंटली ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आपको दूसरा कलर ऑप्शन देखना है तो आप देख ही सकते हो। वो लेते हैं डब्बे को कि कैसा है ये हाइपर फ्लो स्नीकर हाइपर फ्लो शूज। तो यार आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, और मैं एक फर्स्ट ओवर लुक दूँ तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। और यार देख के लग रहा है कि इसकी हील हाइट जो है, हील ड्रॉप जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो तो अपन टेस्ट करेंगे फर्दर वीडियो में। अगर आप लोग किसी भी शूज़ में इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, तो एक चीज़ होनी चाहिए कि उसकी बिल्ड एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें अपन इसका बिल्ड की, तो यहाँ पर पूरा ही आपको जो ब्लैक मटेरियल देखने को मिलेगा वो पूरा ही इंजीनियर्ड मैश है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, काफ़ी पतला है। इसके कारण क्या होता है कि ब्रीथेबल भी है, तो आपको अगर स्वेटिंग वगैरह की दिक्कत होती है, आप लोग जिम वगैरह में इसको यूज़ करोगे तो आपको स्वेटिंग जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। थोड़ी बहुत ही शूज़ की ब्रांडिंग की बात करें तो आपको एलिवर के लोगो काफ़ी जगह देखने को मिल जाते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे एलिवर ने अपनी ई की ब्रांडिंग करके रखी है, पीछे आपको एलिवर का एक सपोर्ट देके रखा है, और इसके साथ ही आपको टंग पे भी एलिवर का लोगो देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। मैं आपको पहले ही बताया कि एलिवर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा R&D करी है, और वो देखने को मिल जाता है शूज़ में। आपको फिशबोन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि लेसिस के साथ जो है सपोर्ट देके रखता है। उसके कारण क्या होता है कि आपके लेग्स जो है प्रॉपरली अटैच रहते हैं शूज़ के साथ। कभी कभी होता है कि हम लोगों का एक्सीडेंटली जो है पाँव उड़ जाता है या फिर हमको वोट आ जाती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है और फिशबोन स्ट्रक्चर होने के कारण आपको सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। जब भी हम लोग शूज़ पहनते हैं तो इसका इंसोल भी अच्छा निकल के आना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है कम्फर्ट निकल के आता है शूज़ का। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर एलिवर ने बहुत ही अच्छा इंसोल देकर रखा है, जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और कितना मोटा आप देख सकते हो, एक क्लोज ओवर लुक दूंगा तो उसके ऊपर एलिवर की ब्रांडिंग करके रखी है। आप देख सकते हो कि यार कितना प्रॉपर से वर्क करके रखा है, और जो डिजाइनिंग देकर रखी है उसके कारण क्या होता है कि आपको कम्फर्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसी के साथ आपको जो एक्स्ट्रा पाउंस भी मिल जाता है। रखते हैं इस चीज़ को साइड में और बात कर लेते हैं शूज़ के एक मेन पार्ट की, जो कि इसको बहुत ज़्यादा R&D के बाद बना है। मैं बात कर रहा था राइट फॉर्म टेक्नोलॉजी की, जो कि मैंशन है शूज़ के बैक साइड पे भी। आपको एक क्लोज ओवर लुक देता हूँ कि राइट फॉर्म जो टेक्नोलॉजी मैंशन है, अब इसके डिटेल्ड ओवर लुक ले लेते हैं अपन की क्या है ये। तो आपको साइड में जो भी साइड सोल दिखेगा, मिड सोल की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो वो जो TPU का है, लेकिन TPU की क्वालिटी इतनी अच्छी देके रखी है, इतना एक्स्ट्रा कुशनिंग देके रखी है, इतना फुटबैक देके रखा है कि आप जब भी इसको पहन के राइट फॉर्म में यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल जाता है। आप लोगों को इसका आउटसोल दिखाऊं तो यहाँ पर पूरा ही TPR का बना हुआ है। इसकी अपन बात करें तो आपको प्रॉपर ग्रिपिंग प्रोवाइड कर देगा, इसके साथ आपको कुशनिंग प्रोवाइड कर देगा, और साथ ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। मतलब तीनों ही चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और स्नीकर को, इस शूज़ को जो है काफ़ी खास बना देता है। यार ये तो बात हुई सारे फीचर्स की, लेकिन एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इन सबको ऐड करने के बाद इसका शूज़ का वेट क्या निकल के आया है। तो यहाँ पर वेट जो है 290 ग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरी नज़रों में काफ़ी ही ज़्यादा लाइट वेट है। मैं बात करता हूँ कि जब भी आपको रनिंग शूज़ या फिर आपके ट्रेनिंग शूज़ लेने हैं तो वहाँ पर आपका वेट जो है स्नीकर्स का वो 300 ग्राम के अंडर होना चाहिए, और ये चीज़ जो यहाँ पर प्रॉपरली फॉलोड है। यहाँ पर ऑन चीट स्पेक्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अपन बात कर लेते हैं कि बाहर जब इसको परफॉर्मेंस कैसा दिया है या फिर मैंने जिम में इसको यूज़ करा है तो क्या निकल रिजल्ट निकल के आए हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कंफर्टेबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे लग नहीं था कि यार मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने शूज़ पहन के रखे हैं वो इतना लाइट वेट होने वाले हैं और इतना कंफर्टेबिलिटी मुझे प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, यहाँ पर जब मैंने वेट ट्रेनिंग करी थी तो होता है कि यार सोल पे जो मुझे सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, तो वो राइट फॉर्म टेक्नोलॉजी के कारण मुझे काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट मिला है। एंड थर्ड, जब भी शूज़ बनते हैं तो R&D नहीं होती, उस कारण क्या होता है कि शूज़ जो है प्रॉपर फिट नहीं हो पाते हैं लेग्स पे। तो ये जो शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू टू साइज़ है, उसका एक बेसिक रीज़न है जो केज वाला फॉर्म इसमें देखे रखा है लेसेस के साथ, तो आपको वहाँ पर भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी रहता है कि यार हम लोग इस स्नीकर को ले तो लेंगे तो क्या हम इसको डेली वेयर में पहन पाएंगे। तो हाँ, आप लोग इसको वेट ट्रेनिंग के साथ, आपके डांस के साथ, अगर आप लोग बैडमिंटन खेलते हो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप नॉर्मल वॉकिंग करोगे या फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करोगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा लगने वाला है। रोड एज वेल एज आप जो है आपके इंडोर सेशंस में भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेसिकली एक मेरे से वर्डिक्ट पूछोगे आप तो 4000 रुपये में ये काफ़ी ही अच्छा शूज़ है। इसका एक बहुत सारे रीजन जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि यार इसमें इतनी सारी जो चीज़ें देके रखी है,
वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। और कहीं ना कहीं जो ऑन द शीट स्पेक्स देके रखे हैं वो आपको ट्रू टू लाइफ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से बेसिक वर्डिक्ट यही रहेगा कि आप लोग इस स्नीकर को 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के प्राइस टैग पे बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से एक थम्स अप रहेगा। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसका डिटेल्ड ओवरलुक दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।